केंद्र की भाजपा सरकार के 3 वर्षों की विफलता पर अररिया कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए सुनते हैं अररिया के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा ने क्या कहा। उन वायदों को जनता के बीच पूरा नहीं कर रहे, जनता के साथ झूठा वादा करके सरकार गद्दी तो प्राप्त कर ली, लेकिन उन वादों के प्रति अपनी कोई भी गंभीरता नहीं दिखला रही। अभी 2-4 मामले ऐसे आए हैं जो कि भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे सीमा पर घुसपैठ का मामला हो, चाहे पाकिस्तान के द्वारा हमारे सीमाओं पर रोज बरोज का हमला हो, इन सब चीज़ों को लेकर ये पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। और हमारे जितने युद्ध में भी आर्मी नहीं मारे गए थे कारगिल में, इससे ज़्यादा हमारे सैनिक इन छोटे मोटे कांडों में मारे जा चुके हैं। और ये 56 इंची की सेना वाली प्रधानमंत्री इसके विरुद्ध अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जो काफ़ी निंदनीय है और भारत के लिए काफ़ी असहनीय है। GST पर आप क्या कहना चाहेंगे? GST पर कांग्रेस का मत था कि इसमें और कम टैक्सेशन लाया जाए। जब कांग्रेस 14% पर GST ला रही थी तो भाजपा के लोगों ने काफ़ी विरोध किया और 5 सालों तक GST लाने नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य और काफ़ी दुखद बात है कि GST तो आया लेकिन 28% पर आया और दूसरे ही। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने GST को गुड एंड सिंपल टैक्स कहा, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो हमें कहते आए हैं कि अच्छे दिन आए ना, लोग अच्छे दिन कहना आप भूल गए हैं। उसी तरह से कुछ दिनों के बाद वो भी कहना भूल जाएंगे कि GST गुड है। प्रधानमंत्री हर चीज़ जो करते हैं समझते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस अच्छाई को ही भूल जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर अगर काला धन नहीं रहा हूँ तो मुझे चौक चौराहे पर खड़ा होकर जो चाहे आप करेंगे। 100 दिन तो क्या, 3 साल बीत गए, अभी तक काला धन के बारे में उनके जवान से कोई चर्चा तक नहीं हो पा रही। आपका नाम? अनिल कुमार सिन्हा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अरपुर।